बहुत अजीब बात है कि जो बेल होता है दैट्स अ राइट, वो कोई एहसान नहीं है। जब तक आप किसी को मुजरिम नहीं साबित करते हो तब तक उसकी जगह जेल नहीं होती है, तब तक उसकी बेल उसका हक होता है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई। पर हम क्या कह सकते हैं, आजकल पूरे मुल्क में अंधाराज चल रहा है, किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो और बेल मिलने में इतना वक्त लगता है, ये बहुत बुरा है। मेरे ख्याल में इसी को नोटिस लेना चाहिए कि बीजेपी के लीडर क्या क्या बोलते रहते हैं, वो कितना कम्युनल बयान देते हैं, वो कितने ऐसे बयान देते हैं जिससे मुल्क का पूरा वातावरण बर्बाद हो गया। हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, कहते हैं कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमान घुसपैठिए हैं। तो इतने गलत बयान देती है बीजेपी, उनके खिलाफ इसी कोई नोटिस नहीं लेती है, मगर अगर कोई मामूली सी भी बात करे उसके खिलाफ नोटिस लेती। वही रहमान परा जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह यहाँ के नौजवानों को शक की बुनियाद पे बंद किया जाता है, जेल में डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमने उन्हीं जवानों में से एक जवान को चूज किया, लोगों के सामने रखा और लोग इंशाल्लाह उसको इलेक्ट करके उसी पार्लियामेंट में भेजेंगे जहां वो ऐसे ही अपने लाचार मजबूर मजलूम जो कैदी लोग हैं हमारी, उनकी वकालत करेगा। पीडीपी अकेले लड़ रहे, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, उसके बाद सारी जमातें इकट्ठी हो गई, तो अकेली पीडीपी, एक तरफ से पीडीपी, दूसरी तरफ से तमाम जमातें, मगर मुझे खुशी है अवाम का साथ पीडीपी को है। आपने देखा होगा आज अवाम का यहाँ सैलाब, अवाम का प्यार, अवाम की मोहब्बत जो हमारे पीडीपी के साथ है, मुफ्ती साहब की जमात के साथ है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।